कल हम दावत पे थे, हमारे एक दोस्त थे बड़े टाइट दुम्बे की चर्बी शर्बी, वही जो हम बयानात करते हैं, बैठे हुए थे तो वो बकरे की चर्बी थी, हमने तो चर्बी फोड़ी तबीयत से, क्योंकि हम अभी चर्बी के फजाइल पर बयान करके आए थे। वो अवॉइड कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं एक्चुअली फैट वैट टोपी ड्रामा। मैंने कहा अगर फैट से या चिकनाई से इजतनाब करना है तो जिस ऑयल में ये पका हुआ है उस ऑयल को छोड़ो ना, उस ऑयल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो घी का डब्बा अल्लाह ने दुम्बे के पीछे लगा दिया उससे क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। या तो बिल्कुल ही चिकनाई छोड़ दो भाई, आप बोलो कि मैं मेरी एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं हो रही है, मैं मेहनत वाला आदमी नहीं हूं तो मुझे फैट की जरूरत नहीं है, तो फिर हर किस्म का फैट छोड़ो। तो वो बाकी फैट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो कंपनियां दे रही हैं, लेकिन जो अल्लाह ने बकरे में चर्बी पैदा कर दी या दुम्बे में पैदा कर दी उससे क्या कर रहे हैं। तो अगर फैट छोड़ना है आप कह सकते हैं जो कुकिंग ऑयल है इसमें फैट नहीं होता, कुकिंग ऑयल है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, याद रखो होते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, हम मानते हैं इसको कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, लेकिन ये हर चीज से फ्री नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही होती हैं। दिल की जो बीमारियां हैं ज्यादातर इस कुकिंग ऑयल की वजह से हो रही हैं, क्योंकि दिल को ताकत के लिए देखो पहले डॉक्टर कहते थे अंडा अंडा ना खाओ, हमने खुद सुना है दिल की बीमारी पैदा होती है अंडे की जर्दी से, अब क्या कहते हैं सुबह नाश्ते में बोलो ना यार दो अंडे खाओ, क्या ख्याल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की भी तो जरूरत है ना। खैर फिर ज्यादा पंगेबाजी नहीं लूंगा डॉक्टरों से मैं, डॉक्टर सारे एक जैसे होते भी नहीं है, बहुत से डॉक्टर मेरी ताईद भी करते हैं। मैं भी जो इतवार को जो बयान हुआ ना उसमें एक डॉक्टर बैठे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% गलत है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिल पे ना लेके।